दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ माई टैरो कार्ड ट्यूटोरियल। मैं सुरभि गोयल हूँ, हॉरोस्कोप रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो अगर इनमें से कोई भी सर्विसेज, कोर्सेज या कंसल्टेशन आपको करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पूरा टैरो कार्ड का बेसिक कोर्स पढ़ा रही हूँ। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक टैरो कार्ड में बहुत सारी चीजें होती है जो हम पढ़ते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कार्ड उठाया और हमें जो कुछ दिख रहा है ड्रॉइंग में उसे हमने इंटरप्रेट कर दिया। एक कार्ड में हम नंबर को पढ़ते हैं, कलर्स को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, सारे सिंबल्स को पढ़ते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं हम कार्ड से, कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखते हैं, हमारी प्लैनेट्स हमें उस कार्ड से रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर कार्ड किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा कार्ड कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हम इसी से पता लगाते हैं। अब आते हैं हम हमारे टैरो कार्ड के फर्स्ट डेक पे, जो कि है मेजर आर्काना का डेक। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टैरो कार्ड होते हैं वो स्प्रेड होते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है मेजर आर्काना और एक होता है माइनर आर्काना। जो मेजर आर्काना होता है उसमें होते हैं हमारे टोटल ऑफ 22 कार्ड्स, और ये जो 22 कार्ड होते हैं ये हमारी लाइफ के बहुत ही मेजर इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। लाइफ में कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत बड़े रोल्स को प्ले किया है, ये सभी की सभी चीजें हमें पता चलती हैं मेजर आर्काना से। तो जो पहला कार्ड होता है मेजर आर्काना का, उसका नाम है द फूल। मेजर आर्काना में देखेंगे कि जहां पे भी टैरो कार्ड है वहां पे नीचे उनका नाम लिखा होगा। ये देखिए, मैंने आपके लिए पॉइंट आउट किया है, इस कार्ड में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है द फूल। हर कार्ड पे एक नंबर होगा और हर कार्ड में बहुत सारे कलर्स होंगे, साथ ही साथ हर कार्ड में कुछ साइंस और सिंबल्स होंगे। इन सबके बेसिस पर हम रीड करते हैं टैरो कार्ड को। तो अगर मैं आपको ये कार्ड रीड करना सिखाऊंगी तो सबसे पहले जो चीज हमें इस कार्ड में देखनी है वो है नंबर। जो आपका ये टैरो कार्ड है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। तो ये वाला जो कार्ड है, इस कार्ड में नंबर क्या है, इस कार्ड में जो आपके पास नंबर आया है वो है 0, ZERO 0। अब 0 जो नंबर है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे हम 1 की तरह लेंगे, मतलब हर नंबर का एक प्लैनेट होता है। 1 नंबर का प्लैनेट सन होता है, इसलिए नंबर 0 में भी हम प्लैनेट सन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमें रेमेडीज देनी है प्लैनेट से रिलेटेड, वो हमें सन के प्लैनेट से देनी है। और बाकी हम रेमेडीज कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो हम टैरो के एडवांस कोर्स में पढ़ते हैं। अगर वो कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस कार्ड, इस कार्ड में नंबर जीरो क्या बता रहा है, जीरो कैसा नंबर होता है। यहाँ पे मैंने कोई डिजिट लिखा 2, अगर मैं इसके आगे जीरो बनाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, तो ये वैल्यू ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 2, और अगर मैं इससे पहले कितने भी जीरोस यहाँ पे लगाती जाऊं, कितने भी लगा लूं, इनफाइनाइट जीरोस, इस नंबर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। इसलिए जो नंबर 0 है उसको कहा जाता है एक इनफाइनाइट नंबर। या तो ये किसी को हीरो बना सकता है, या ये किसी की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करके उसको 0 बना के रख सकता है। अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया अपने सिचुएशंस को, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चीजें हैं, अगर आप उन्हें वेल यूटिलाइज करेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप केयरलेस हो जाएंगे, तो आप खाई में गिर सकते हैं। साथ ही साथ ये सन का नंबर है, मैंने बताया था कि सन का नंबर कैसा होता है, ये लोग अच्छे लीडर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इनमें ईगो होता है। और क्यों होता है ईगो,
क्योंकि सन ही एक ऐसा बॉडी है हमारे यूनिवर्स में जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। हर प्लैनेट, हर चीज सन के अराउंड घूमती है, लेकिन सन का रोटेशनल एक्सिस किसी भी प्लैनेट के अराउंड नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो कभी किसी के आगे पीछे घूमे ही नहीं, लोग ही उनके आगे पीछे घूमे, तो उन लोगों में ईगो आ जाती है। आपने देखे होंगे ना, कंपनी के सीईओस, अगर रियल में नहीं देखे तो मूवीज में देखे होंगे कि वो जैसे कार से उतरते हैं, चार लोग आते हैं और उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, पर लोगों को उनसे काम है। तो उसी तरह का ये नंबर होता है। अब अगर हम इस कार्ड में कलर्स को देखेंगे, सबसे पहला कलर जो इस कार्ड में दिखता है वो है येलो। ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये है येलो कलर का। जो बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बैकग्राउंड हमें क्या दिखा रहा है? एक न्यूनेस। येलो कलर, अगेन अगर आपने कलर्स का डिस्क्रिप्शन मिस किया है तो आप पीछे जाके सीरीज में देख सकते हैं कि येलो कलर का क्या मतलब मैंने आपको पढ़ाया है। सो येलो कलर का मतलब होता है एक नई शुरुआत, एक न्यूनेस, एक ब्राइटनेस, एक अच्छे दिन की शुरुआत है, एक अच्छी चीज की शुरुआत है। लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नई चीजें आ सकती हैं, कुछ न्यू चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। गुरु की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सन बना हुआ है। इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर सन बना हुआ है, और सन कैसा है? वाइट कलर का। वाइट कलर का मतलब क्या है? प्योरिटी, फेथ, ऑनेस्टी। सन क्या करता है? हमेशा एक नए दिन की शुरुआत करता है। जब भी सूरज उगता है दिन शुरू होता है, और जब सूरज ढलता है हम बोलते हैं दिन खत्म होने वाला है। तो ये जो सन है इसका मतलब है कि नई शुरुआत है लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, कुछ नई चीजें हो सकती हैं, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये वाइट कलर का सन है, इसका मतलब इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है वो नए चेंजेस, नई चीजें, नई शुरुआत तो होगी, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा, ये पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी रहेगा, ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत ऑनेस्टी, फेथ और दिल में प्योरिटी के साथ अपने नए कामों को, नई चीजों को करेगा। अब देखते हैं हम इस इंसान को। इसने जो कपड़े पहने हैं, अंदर से देखिए इसकी ड्रेस का कलर है वाइट, और बाहर से देखेंगे तो ड्रेस का कलर कुछ और है। तो अंदर जो ड्रेस का कलर है वो है वाइट कलर। मतलब ये जो व्हाइट कलर है, यहाँ पे देखिए ये जो ड्रेस पहनी है अंदर से, इनके हार्ट को, इनकी बॉडी को जो कलर टच कर रहा है वो है व्हाइट कलर। मतलब ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है। दिस पर्सन इज अ प्योर सोल। ये बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है, किसी को चीट नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। ऊपर आप जो देखेंगे इन्होंने ड्रेस पहनी है, ये इन्होंने पहनी है एक फैंसी ड्रेस, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी है। पुराने टाइम में जो रिच लोग होते थे वो ऐसे फैंसी कपड़े पहनते थे। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। एक अच्छा सोशल स्टेटस है, एक अच्छी फैमिली है। ये टर्म तो रिलेटिव होता है, कुछ लोगों के लिए बिल गेट्स ही रिच है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ अंबानी ही रिच है, और कुछ लोग जो खुश हैं, कंटेंट हैं, उनके खर्चे पूरे होते हैं, वो भी अपने आप को रिच समझते हैं। तो इसलिए देखिए ये रिलेटिव टर्म होता है, बट हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। दिस पर्सन इज नॉट अ हैंड टू माउथ पर्सन। ये अपनी सारी नीड्स और लग्जरीज को पूरा कर लेते हैं। इन्होंने हाथ में पकड़ा है एक वाइट कलर का फ्लावर। अगेन आप देखेंगे कि जो फ्लावर भी पकड़ा है वो है वाइट कलर का। तो फ्लावर जहां पे भी होता है वो क्या दिखाता है कि ये अच्छी फैमिली को तो बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ ये एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। अब अगेन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी, किसी के लिए ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है, किसी के लिए ऐश्वर्या राय बहुत ही अगली है, और करीना कपूर बहुत खूबसूरत है। किसी को कटरीना कैफ बहुत पसंद आएगी, किसी को कृति सैनन पसंद आएंगी। तो खूबसूरती भी रिलेटिव टर्म होता है, लेकिन ये जो पर्सन है इसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, ये लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है या खींच सकती है। एक करिज्मेटिक, एक अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा डल नहीं है, मेजरली लोग अच्छा पसंद करते हैं इनको।
इन्होंने अपने कंधे पर ये एक स्टिक ली हुई है और इस स्टिक में एक पिटारा सा बांधा हुआ है। तो जो ये पिटारा बांधा हुआ है ये क्या है? इनका बैग है। इसको क्या कहेंगे? बैग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। ये है इनका बैग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहीं जा रहे हैं और पूरा ये बैग अपने कंधे पर अच्छे से टांग के जा रहे हैं। और इनका ग्रिप देखिए, जो इन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ है स्टिक को, वो बहुत अच्छे से टाइटली और मजबूती से पकड़ा है, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते हैं अपने साथ। साथ ही साथ जो इनका बैग है उसका अगर आप कलर देखेंगे तो क्या है? इस बैग का कलर है रेड। मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे पैशन के साथ, पूरे अग्रेशन के साथ पूरा करते हैं। अग्रेशन भी है और पैशन भी है। अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, अरे जो करना है कर लूँ। नहीं, कुछ भी काम करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा ध्यान में रख के ये काम करते हैं। नेक्स्ट, इफ आई कम टू हिज शूज एंड लेग्स, ये है येलो कलर के। मतलब ये कहीं जा रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। येलो इज अ पॉजिटिव कलर, गुरु की ब्लेसिंग्स है इनके पास और एक अच्छी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे इनके माउंटेन्स हैं। फ्रेंड्स, अगर कभी भी टैरो कार्ड में आप माउंटेन्स को देखेंगे तो माउंटेन्स का मतलब हमेशा होता है स्टेबिलिटी। माउंटेन्स हमेशा लाइफ में, टैरो कार्ड में कभी भी आप माउंटेन्स को रीड करेंगे तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी। ओके, जो पहाड़ होते हैं क्या उनको कोई इजीली हिला सकता है? अगर आपकी टेबल पर पानी का ग्लास रखा होगा तो आप उस ग्लास को उठाएंगे? कभी भी कहीं पे भी रख देंगे। आपका फर्नीचर है, आपकी कोई भी चीज है, इवन आप अपना घर तक एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ है, कभी आपने सुना है कि पहाड़ को यहाँ से उठा के वहां रख दिया? एक्सेप्ट हमारी जो रामायण की माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, और कभी हमने नहीं सुना कि किसी ने पहाड़ को उठा के रख दिया। पहाड़ जहाँ है मजबूती से वो वहीं रहता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहाड़, माउंटेन्स जब भी टैरो कार्ड्स में आएंगे तो वो हमेशा आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पे माउंटेन्स दिखाए हैं, मतलब इस पर्सन की लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है। अब ये जो माउंटेन्स हैं ये किस कलर के हैं? ये माउंटेन्स हैं वाइट कलर की, राइट? ये वाइट कलर के माउंटेन्स है, अगेन स्टेबिलिटी है लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है। और जो लोग ज्यादा ही ऑनेस्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो हो जाते हैं बहुत इनोसेंट। और इसी वर्ड से मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ अब अपना आगे का एक्सप्लेनेशन। जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो ज्यादा प्योर होते हैं, लोग क्या करते हैं? उनका उनको चीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे चीट करने के लिए इधर उधर हजारों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिल का साफ इंसान है, सीधा सच्चा इंसान है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो बोलेंगे ये उस बात पे ट्रस्ट कर लेगा, एंड दैट इज द कैच ऑफ द कार्ड। ये लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, दे ट्रस्ट इजिली। तभी इस कार्ड का नाम है द फूल और इस कार्ड का नंबर है 0। सब कुछ अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि ये हीरो की जगह क्या बन जाए? 0। अगर ये ट्रस्ट कर लेंगे ब्लाइंडली और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ये गिर जाएंगे गड्ढे में। अब आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, ये जो इंसान है इसका फेस कहाँ है? अपवर्ड्स, ये ऊपर देख रहा है। मतलब ये गॉड में बिलीव करता है। दिस पर्सन इज अ बिलीवर ऑफ गॉड। ऊपर हम किससे प्रे करते हैं? ऊपर देखे, भगवान से। आप जब भी हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रे करते हैं, हमेशा आपका चेहरा ऊपर जाता है प्रे करते हुए। कभी आप नीचे जमीन पे नहीं देखते प्रे करने के लिए। अगर आप कुछ भी भगवान से मांगेंगे ना, आप हमेशा ऊपर देख के मांगते हैं। तो ये इंसान ऊपर देख के चल रहा है क्योंकि ये रिलीजियस है, ये गॉड पे बहुत बिलीव करता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऊपर देख रहा है, सामने नहीं देख रहा हो। अगर इसने 2 स्टेप्स आगे और बढ़ा लिए तो ये यहाँ खाई में गिर सकता है। ही कैन फॉल इन द पिट। अगर इस इंसान ने अच्छे से नहीं देखा तो ये खाई में गिर सकता है। इसलिए इसे केयरफुल रहने की जरूरत है। सपोज अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, नई बिगनिंग है, बहुत अच्छे चांसेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको बेवकूफ बना सकते हैं।
आप लोगों को ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं आजकल। आपको बुद्धू बनाकर आगे चले जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस कार्ड में हमें रेमेडीज कराने की जरूरत होती है सन की। हमें इस पर्सन का सन स्ट्रांग करवाना है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ आप आगे बढ़िए। लास्ट एक चीज जो आप इस कार्ड में देख रहे हैं वो क्या है? एक डॉग। अगेन ये जो डॉग है ये व्हाइट कलर का डॉग है, और ये डॉग बोल रहा है इस इंसान के पैर पकड़कर इसे पीछे खींच रहा है, बोल रहा है नहीं तुम आगे मत जाओ, आगे खाई है मत जाओ। डॉग्स कैसे होते हैं? डॉग्स को सबसे ज्यादा लॉयल माना जाता है। हम कहते हैं कि डॉग्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप बिल्ली को पालते हैं ना तो वो आपके घर से प्यार करती है, अगर आप डॉग को पालते हैं तो वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए जो डॉग होता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। और ये व्हाइट कलर का डॉग है, इसका मतलब ये प्योर और ऑनेस्ट है इस पर्सन के लिए। इसका ट्रू वेलविशर है। जो हमारे वेलविशर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो सकता है हमारा वेलविशर, तो वो जो वेलविशर्स होते हैं ना वो हमेशा दिल से बहुत अच्छा सोचते हैं हमारे लिए। और इसीलिए ये जो डॉग है ये वाइट कलर का है, क्योंकि ये डॉग इस इंसान के लिए दिल से बहुत अच्छा सोच रहा है और उसे पिट में फॉल करने से, खाई में गिरने से रोकना चाहता है। ये डॉग चाहता है कि ये इंसान आगे नहीं गिरे, ये रोकना चाहता है इसे कोई भी मिस्टेक करने से। और इसलिए जो डॉग है इस इंसान को पीछे खींच रहा है, बोल रहा है मत जाओ, आगे बिना देखे चलोगे तो आप गिर जाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कार्ड। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? देखिए, नई बिगनिंग का चांस है, नई रिलेशनशिप आ भी रही है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव होगा। आप रिलेशनशिप जिसके साथ स्टार्ट भी करना चाहेंगे वो अट्रैक्टिव भी होगा, अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करेगा, लेकिन सॉरी आप अट्रैक्टिव हैं, आप अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करना चाहता बिलोंग करते हैं, लेकिन लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन आपको बेवकूफ बनाए, या हो सकता है लोग आपको गलत एडवाइस दे रिलेशनशिप के लिए। इसलिए सोच समझ के कीजिए, और हो सकता है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, नहीं तो आप इन्हें रेमेडीज करा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कल आपको बताया था कि आप घर की डायरेक्शंस कैसे देखेंगे, तो ये मेजर आर्काना का कार्ड हुआ। इसका मतलब आपको कौन सी डायरेक्शंस देखनी है, एक तो सेंटर और एक वेस्ट। साथ ही साथ ये प्लैनेट सन का कार्ड है, इसलिए आप इसमें ईस्ट के डायरेक्शन को भी ऐड कर देंगे। ये तीनों डायरेक्शंस घर की बहुत ज्यादा मजबूत करानी है, सन की रेमेडीज देनी है, सन को स्ट्रांग बनाना है, जिससे कोई भी इस इंसान का फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, और उसके बाद ही आप कहेंगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो पर्सन नहीं सुनने के लिए तैयार है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। हो सकता है जो नेगेटिव पीरियड है वो थोड़ा सा पास हो जाए। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन यहाँ पे केयरलेसनेस हो सकती है, क्योंकि ये इंसान दूसरों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है और वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी अगर किसी और ने आपका बेवकूफ बना दिया और आगे चला गया तो कुछ नहीं होगा। कलयुग में हमेशा कहा जाता है कि ऑनेस्ट वर्कर की नहीं स्मार्ट वर्कर की जरूरत है। ये पर्सन दिल का अच्छा है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है इसके पास, बट इसके पास एक जो टर्म होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एक टर्म होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो इस पर्सन के पास नहीं है, लैकिंग है। तो अगर आपको लगता है आप वो चीजें अपनी रेमेडी से इस पर्सन को दे सकते हैं, देन वेरी गुड, अदरवाइज इन्हें बोलिए कि आगे मत बढ़िए या थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर नंबर 6, और अब मैं आपसे मिलूंगी लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें मैं आपको इसी सीरीज का दूसरा कार्ड पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।